तो गाइस अभी मैंने ले लिया है अंगूर और अनार इस मार्केट से और फल के दुकान से। अभी निकलेंगे हम सीधा घर के लिए। तो गाइस मेरी स्कूटी का हो गया था पेट्रोल कम और मैंने सीधे रुका अपने पेट्रोल पंप के दुकान पे और पेट्रोल डला रहा हूँ गाइस और फुल करके निकलूंगा सीधा जगदलपुर के लिए। गाइस यहाँ बन रहा था आलू टिकिया और मैंने घर के लिए बच्चों के लिए लेने के लिए यहाँ से पैक करा लिया और एक प्लेट मैंने खुद खा लिया गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बजरंगबली, आप सबका मेरे फिर से एक बार नए ब्लॉग में स्वागत है गाइस। आज अभी हम 9 बज रहे हैं और अभी हम कर रहे हैं ब्रश गाइस, और आज का दिन कैसा रहने वाला है हम आपको वीडियो के थ्रू से बताने वाले हैं गाइस। और चलिए चलते हैं पहले ब्रश करने, और आप देख सकते हैं घास कितना ऊंचा में है नीचे से, ये दिखाया नहीं गाइस मैं आपको। तो गाइस ब्रश करते हैं अभी, तब तक देखिए हमारी यहाँ के गाय को बाटी और इसकी माँ क्या लोड कर रहा है। डीजे कहाँ ब्रश कर रहे हो बेटा? अच्छा यहाँ बैठे हो आप, ब्रश कर रहे हो, करके दिखा दो। अब रोज ब्रश करते हो? क्या बोलूं, वीडियो मत करना। सेल्फी क्यों पीटा है भाई, बता क्या डाउट मार रहा है? इसमें कुछ नहीं है मेरे को पता, बता ना भाई। कुछ नहीं है यार, डाउट नहीं मार रहा है भैया। क्या बात करते हो, अपना फेस क्यों बना रहा है? अलवटा क्या, जल्दी कुछ भी मार देख डायलॉग। मैं नहीं जानता। 5 minutes later तो गाइस ब्रश व्रश करके आ गए हम अपने जगह पर। तो जगह तो आप जानते ही हैं, ये अपना किचन है और अभी मैंने अपने चाय के पतीले में डाला है पानी और फ्लेम कर दिया है हाई, तो अभी वेट करेंगे। और अभी अदरक को डालते हैं गाइस इसमें और ऐसा पीस कर इसे डाल देंगे चाय में, तो बनाते हैं गाइस चाय। तो गाइस डाल दिए हैं अभी अदरक, आप देख सकते हैं किस तरह से उबल रहा है अदरक और पानी। और अभी डालेंगे इसमें चीनी, पानी क्योंकि पानी उबल चुका है तो अब इसमें डालता हूं मैं चीनी। तो गाइस मैंने डाल दिया चाय पत्ती भी, आप देख सकते हैं काली काली, और अभी उबल रहा है मस्त जोरदार उबल रहा है गाइस चाय। तो अभी चाय को उबलने देते हैं 2 से 3 मिनट, तो तैयार हो जाएगा अपना चाय और इसे पियेंगे और स्वाद लेंगे गाइस। गाइस चाय बनके तैयार, चाय पत्ती कैसे उबल रहा है देखिए, चाय निकल चुका है कटोरी में और कप में। और बिस्किट लाओ, बिस्किट बिस्किट जल्दी बिस्किट। हाँ खा रहा है कुसान, खा रहा है बेटा। दिस इज माय टी, फिर मैं जाता है डूबता है कभी। हाँ तो ये बिस्किट और चाय का प्याला, हमको मजा आ गया आज का ना बेटा। देखो एक आ रहा है, तू गुटखा खाता है छोटा बच्चा है तो। आंटी में सुपारी रहता है, सुपारी वाला चीज नहीं खाना है, देखो वापस करके कुछ दूसरा चीज खाना ठीक है। मीठा वाला खाना। One hour later. जी ये कटे हुए टमाटर, ये आलू और ये फूल गोभी, और ये हमने डाल चुका है इसमें लहसुन प्याज अदरक और जीरा। अभी बनाएंगे सब्जी गाइस, आज तो पूरा टाइम ही लग जा रहा है सब्जी बनाने में। अपना सब्जी और खाना, अभी हम खाएंगे खाना जो बना है फूल गोभी और टमाटर और आलू और ये है चावल, और अभी खाते हैं अपन। नहीं सिद्धार्थ नहीं खाएगा खुशांत खाना, ठीक है फिर मैं खाता हूँ ठीक है। 2 hours later हम जा रहे हैं जगदलपुर, और जगदलपुर से जाके देखते हैं क्या क्या आज का सीन है, कुछ काम है थोड़ा सा, काम करेंगे
निकलते हैं गाइस जगदलपुर के लिए। ये निकले हम जगदलपुर के लिए गाइस। तो गाइस मेरी स्कूटी का हो गया था पेट्रोल का और मैंने सीधे रुका अपने पेट्रोल पंप के दुकान पे और पेट्रोल डला रहा हूँ गाइस। तो गाइस स्कूटी में पूरा फ्यूल खत्म हो चुका था, आप देख सकते हैं क्योंकि नील था इसमें 500 रुपए का पूरा फुल हो जाता है गाइस स्कूटी में। मैं अभी कराता हूँ इसे फुल क्योंकि बच्चे को स्कूल और लेने और जाने के लिए यही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा गाइस, तो इसको फुल करा के रखते हैं और नहीं काम आ जाएगा गाइस क्योंकि काम तो अपने उनको ही है ना, तो डलाएंगे भी हम भी। चलिए फटाफट पेट्रोल डलाते हैं और निकलते हैं जगदलपुर। 15 minutes later. जगदलपुर और यह जगदलपुर का कोतवाली गाइस। अभी जाके अपन लेंगे थोड़ा बहुत सामान कुछ और निकलेंगे घर के लिए। मेन सिटी है गाइस। तो गाइस बच्चों के लिए लिया हमने अंगूर और अनार और लेके अभी निकलते हैं, कुछ और भी लेना है मुझे। तो गाइस यहाँ पे बन रहा था आलू टिकिया, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए लिया जाए, तो मैंने भी एक प्लेट यहाँ पे खाया और बच्चों के लिए दो प्लेट पैक कराया और अभी मिलेगा मेरा बन रहा है, तो देखिए बन के तैयार। अभी इसे मैं खाता हूँ जोरदार। अपने दोस्त का जो एटीएम है उसे बनाने के लिए और ये एटीएम है जो आईडीबीआई बैंक का है और इसे अभी जनरेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो गाइस हम जगदलपुर से निकल चुके हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अभी हमने जगदलपुर से सामान लाए हैं घर के लिए और अपने घर वाले के लिए। अभी हम देखिए गांव के रास्ते पे है गाइस, अभी हमको जाना है घर। तो गाइस जो आप देख रहे थे नाटक है, ये अपने गांव के हिसाब से इधर चलता है गाइस क्योंकि जब भी दुख होता है तो उसके 12वें या 11वें दिन में ऐसा नाटक दिखाना जरूरी समझा जाता है गाइस। आदिवासी क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र में खास करके ऐसा नृत्य और ऐसा नाटक दिखाना और खाना पड़ता है गाइस, तो देख सकते हैं गाइस। अभी हम देख के निकल चुके हैं घर के लिए, अभी पहुंचने वाले हैं, चलते हैं गाइस घर के लिए। और देख सकते हैं सनसेट होने वाला है अभी, सूर्य देवता को आप देख सकते हैं, ये अपने गाँव का लोकेशन है और नज़ारा काफ़ी रोमांचक और ब्यूटीफुल है गाइस। देखिए परिंदे लोग कैसे चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी कि परिंदे कैसे उड़ रहे हैं गाइस। देखिए सब अपने घर वापसी हो रहे हैं और अभी हम भी अपने घर वापसी होते हैं गाइस, तो मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद।
खाना वाना बढ़िया खा लिया, अभी हम सो